बड़वानी जिले में गैस रिपेयरिंग का कार्य अवैध रूप से संचालित हो रहा है। गैस वाहनों में घरेलू गैस टंकी डाली जा रही है। बड़वानी जिले के सभी क्षेत्रों में लोगों द्वारा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा। सिलावत क्षेत्र में भी घरेलू गैस टंकी गाड़ियों में भरी जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा पूरे जिले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कहा है। सिलावत क्षेत्र में लगभग 4 से 5 लोगों द्वारा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा। दिन भर में कम से कम 40 से 50 घरेलू गैस टंकी गाड़ियों में भरी जा सकती है। गैस एजेंसी से अवैध रूप से इतनी गैस टंकी गैस रिपेयरिंग वाले किसकी मदद से घरेलू गैस टंकी लेते होंगे, कितने उपभोक्ताओं का कार्ड लगता होगा, क्या गैस एजेंसी द्वारा कार्ड पर रोज एंट्री की जाती है या ऑनलाइन मोबाइल से बुकिंग होती है, यह भी बड़ा सवाल है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इंदौर संभाग से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। सर, अभी मध्य प्रदेश के पीतमपुर में घटना हुई है जिसमें गाड़ियों में रिफिलिंग के दौरान जो हादसा हुआ जिसमें गैस टंकी ब्लास्ट हुई है जी। बड़ी मत ये रही सर, उसमें घायल भी हुए। बड़वानी जिले के अंदर भी सर इस टाइप के जो है वो गैस रिफिलिंग वाले जो है अपना कार्य को भी अंजाम दे रहे सर, तो आपके विभाग से किसी प्रकार कोई निरीक्षण वगैरह कोई कार्रवाई की जाएगी सर? ये आपके माध्यम से भी और पता चला कि हमने पिछले आचार संहिता के दौरान लगभग 15-16 के प्रकरण बनाए थे जिसमें 3 गैस रिफिलिंग और 5 गैस रिफिलिंग के प्रकरण थे जिसमें 6 मशीनें थी रिफिल करने वाली मशीनें और लगभग 25 से 26 गैस सिलेंडर थे। उनमें सब में हमने उनके ऊपर कलेक्टर कोर्ट में केस पुटअप करे थे और अर्थदंड लगाकर उनको सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना करें। अगर ऐसा करता हुआ फिर से कोई पाया जाता है तो फिर से हम इस पर प्रयास करेंगे कि इसको पूरी तरह से रोका जाए और जहाँ पर भी चल रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, जिले में ऐसे कोई स्थान चिन्हित है कुल अब तक कितने लोग रिफिलिंग करें, इसको जानकारी है आपके पास? वो हमारे जैसो फील्ड में रहते हैं तो उनके पास है। जनरली जो लोग रिफिल करते रहते हैं उनके एरिया और उनके लोकेशन ट्रेस रहती रहती है। तो क्योंकि क्या अभी आचार संहिता थी तो आचार संहिता में हमने कुछ जगह जांच करवाई थी पर नहीं पाए गए थे, पर क्योंकि आपके माध्यम से फिर से ये संज्ञान में आया है तो हम प्रयास करेंगे इसको जल्दी से जल्दी इसमें फिर से कार्रवाई करें। सर, इसके अंदर जो गैस टंकी यूज़ की जा रही है सर जी, वो घरों में गैस टंकी है सर, वो मतलब उठाने के लिए एक अगर गैस रिफिलिंग करने वाला तो दिन में कम से कम 3 से 4 टंकी रिफिलिंग करता है। इस हिसाब से लगभग 1 महीने की 100 टंकी है सर। तो ये 100 टंकी कहाँ से कहाँ किस एजेंसी से प्राप्त करा, इसकी कोई जानकारी ली सर आपने कभी? मैं ये पिछली बार जब हमने केस बनाए थे तब संबंधितों से भी पूछा था तो वो एक्चुअली क्या है कि जिनके केस बनाए थे वो लोग अपने परिवार की जो डायरी रहती है गैस सिलेंडर की डायरी रहती है उस डायरी के आधार पे वो सिलेंडर संबंधित है जिसका कनेक्ट जिस एजेंसी से कनेक्शन रहता है वहाँ से लेते हैं और उसके बाद में वो डायरेक्ट वहाँ जहाँ पे रिफिल करते हैं वहाँ पर वो टंकी नहीं लेते हैं। वो एक्चुअली क्या गोडाउन पर गैस डायरी लेके हिंद्राई को किसी जो जिसकी डायरी रहती है उसको भेजते हैं, उसके माध्यम से टंकियाँ प्राप्त करते हैं। सर, इस संबंध में जो संबंधित जिनकी डायरी है या जिनसे गैस टंकी जो है जब्त हुई है उनके डायरी वालों को आपने जैसा सूचना दिया सचेत करा कि जो आप जो इसका दुरुपयोग कर रहे हो मतलब किसी अन्य को अपना कार्ड देकर? नहीं, वो पिछली बार जहाँ पे जैसे हमने बड़वानी के है तो 2 केस बनाए थे तो उन डायरी वालों को भी बुलाया था, उनको भी सख्त हिदायत दी थी कि भविष्य में इस प्रकार के आप किसी को भी अपनी डायरी दुरुपयोग करने के लिए ना नहीं करके बुलाएं। अब सर ये उदाहरण के तौर बड़वानी के जो है पास सिलावत के अंदर ही सर जी जी यहाँ पर 4 व्यक्ति जो है लगभग गैस रिफिलिंग का कार्य बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं सर जी जी, तो आपके द्वारा क्या विधिवत कोई कार्रवाई की जाएगी? और चारों जो है गैस टंकी है कहीं ना कहीं गैस एजेंसी के माध्यम से लिख प्राप्त कर रहे हैं सर? ये बिल्कुल की जाएगी। अभी हमने वही में बताना चाह रहा, पिछली बार जब हमने पकड़े थे तो दो प्रकरण आपके सिलावत के ही थे। सिलाब से हमने 2 केस गैस रिफिलिंग के बनाए थे, उसमें उनके मशीनें और गैस सिलेंडर सब जब्त किए थे। इसके बाद की सर निरुराध अभी फिर से शुरू हो गया सर? बिल्कुल, फिर से हम कार्रवाई करेंगे।